शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब हमला मामले में नीतीश राणे मुश्किल में आ गए हैं। कनकावली पुलिस ने आज उनसे इस मामले में एक घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद राणे ने सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमले के मामले में बीजेपी विधायक नीतीश राणे मुश्किल में है। सोमवार को कनकावली पुलिस ने नीतीश राणे से पूछताछ की है। नीतीश राणे अपने वकीलों के साथ कनकावली थाने में पेश हुए थे। पता चला है कि उनकी पूछताछ करीब एक घंटे तक चली। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब हमले के मामले में नीतीश राणे मुश्किल में है। नीतीश के वकीलों ने मामले में जमानत के लिए सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिला सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद राणे के वकील मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे थे, वहां भी उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं मिली। हालांकि उन्हें कुछ दिनों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षित रखा गया है। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत खारिज किए जाने के बाद राणे ने अब सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी दाखिल की है। कनकावली पुलिस ने नीतीश राणे से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। इस मौके पर नीतीश राणे के साथ उनके वकील संग्राम देसाई भी मौजूद थे। पता चला है कि पूछताछ के दौरान राणे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब पत्रकारों ने कनकावली के पुलिस निरीक्षक सचिन उज्जवलकर से मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह एक जांच का हिस्सा है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।